हेलो नमस्कार सत श्री अकाल आदाब प्रणाम सलाम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पायलट ऑन बोर्ड एंड दिस न्यू व्लॉग। तो आपका स्वागत है। और यार अभी मैं आप वीडियो क्वालिटी बहुत घटिया लग रही होगी आपको, इतनी अच्छी नहीं लग रही होगी क्योंकि बहुत पुराना फ़ोन है ये और इसका कैमरा इतना अच्छा नहीं है जितना मेरे और फ़ोनों का है। तो भाई मेरा फ़ोन ना रेडी हो गया है और मेरे को फ़ोन आया भाई का कि आप ये फ़ोन ले जाओ, तो मैं फ़िलहाल वो फ़ोन लेने जा रहा हूँ लेकिन कुछ वीडियो क्लिप्स इस वाले फ़ोन से शूट करूँगा। ये हिल भी बहुत रहा होगा तो जैसे वो मिल जाएगा फिर वो कंटिन्यू उस फ़ोन से अपने व्लॉग कंटिन्यू करूँगा। ये वाली मैं किसी भी एप्लीकेशन से उसमें शेयर कर लूँगा। तो यार आज ना मेरी ये फाइनल ड्रेसिंग खुलेगी और इसके बाद ना अंगूठा मेरा दिख जाएगा साफ। तो आज आपको दिखाता हूँ कि ये कितना एक्चुअल में कितना कटा है, क्योंकि इसमें से ना पता भी नहीं चल पा रहा है कि कितना कटा है। भाई मेरा साथ दे रहे हैं आजकल क्योंकि अरुण तरुण है नहीं है। चले चल चलो, अरे मैं ही लगाऊँ का, तू लगा दे। ये कहाँ से आया है? ये अपनी आज इधर ही खड़ी है, तेने खोलिएगा लद्दा था भाई। गाड़ी ना करते ऐसी हो रही है, प्रेशर कुकर इतनी ज्यादा हीट बन रही है ना इसमें। तो चलेंगे ना थोड़े शीशे उतार देंगे ताकि ये नॉर्मल हो जाए। एसी मैंने चलाई थी है। पुराने जैसा हो गया बिल्कुल सही, परफेक्ट। टच पूरी रिपेयर होगी अब अगली वीडियो से। अपना कैमरामैन बना रखा है, अब जब भी अपने हो जाएंगे 100K, चल 100K पे, 100K पे इसको इनमें से कोई सा फ़ोन दिलवा दूँ, जल्दी करवा दो। क्या चल रही है? सर्जरी चल रही है हमारे फ़ोन की। सही है ना, बढ़िया क्वालिटी है ना, स्क्रैचलेस। ये हमने ना अपने फोन का स्क्रीन गार्ड डलवाया तो हमें दिखा ये क्या सोडा। कोल्ड ड्रिंक मैंने बहुत दिन से नहीं पी है पर सोडा पी सकता हूँ, पर सच में ना बहुत बढ़िया टेस्टी है। तो अभी ज्यादा वजन उठा नहीं सकता, यहाँ पे टेक रखा मैंने हाथ, पी के फिर बात करते हैं। मेरे को ना बड़ी खुशी हो रही है, मेरा फ़ोन वापस मिल गया है और उसी फ़ोन से ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। देखो क्वालिटी में बहुत डिफरेंस है सच में। अभी तो इसका कैमरा भी साफ नहीं है फिर भी। एक का गुब्बारा नीचे पड़ा है, इसे सुबह खुलवाया था हनी से, इसको ऊपर ले चलते हैं। सो गाइज फाइनली वो दिन आ गया है, डॉक्टर ने मेरे को बोला था कि आज के दिन मैं इसको ना ड्रेस कर सकता हूँ, इसकी पट्टी वट्टी निकाल के और इसकी सफाई करके स्प्रिट से, और इस पर दवाई लगानी है मेरे को। तो घर पे ही खोल लूँगा, उन्होंने बोल दिया था कि आने की ज़रूरत है नहीं, बस पट्टी निकालनी है। तो उसके लिए मैंने पापा जी को नीचे से बुलाया है ताकि वो केयरफुली इसको निकाल दें और उसके बाद साफ करके दवाई लगा के। तो आराम से मैं खोल के इसको आपको दिखाता हूँ कि कितना कटा है, ठीक है? थोड़ा सा बुरा लगेगा आप लोगों को, मेरे को तो बहुत ही अजीब लग रहा है सच बता रहा हूँ। छोड़ ऐसे निकल जाएगा। पहली बार देखेंगे तुम्हें, सूजन कम हो तो बाहर से वाला नहीं, पर फिर भी ठीक है कलर। इतना पहले इतना काटो ये, फिर और थोड़ा अंदर तक काटो डॉक्टर ने। सूज रो भी था, अभी तो हम जो भी चीज मार रहे हैं हां, ठीक है। फिर काट के जाती है बेटी, बस अब नॉर्मल मार दे बाकी खुला रखना हो देख रहे हो भाई। मेरे को होता ही ऐसा है, सच में सूजन है तभी इसमें दर्द होता है। और मेरे को लगता है कि जो पेन है ना वो मतलब पूरा अंगूठा मेरा यहाँ तक है ऐसे, दर्द है ना इस नखों के आसपास होता है क्योंकि जो अंदर की हड्डी और नस है ना वो तो अभी वैसी है ना, अभी वो हील ना हुई है। हाँ सूज रहा है ना, अब तुझे ऊपर जाएगी एक महीने में आसान हो जाएगी या फिर 10-15 दिन में? नहीं मतलब औरों को तो बाद में आदत पड़ेगी, पहले मुझे भी बहुत टाइम लगेगा इसको आदत जानने। यार पापा जी के सामने ना मेरे को बड़ा अजीब लग रहा था इसलिए मैंने आप लोगों को दिखाया नहीं ज़्यादा मेरा अंगूठा मेरा हाथ। तो मैं भी आपको दिखाता हूँ क्योंकि मैंने बोला था आपको पिछली वीडियो में कि मैं इस वीडियो में अपना
अंगूठा जरूर दिखाऊंगी कि आज के दिन खोलेगा, तो देख लो भाई इसको, ऐसा लग रहा है कुछ, पूरे सारे एंगल से दिखा रहे, ये देखो। और ये हाथ के अंदर ये देख रहे हो, ये बड़ी ये ड्राई ड्राई सी स्किन, ये इसमें भी ना अलग से चीज सी चलती है, पेन सा होता है। देखो खाल ना पूरी छूट रही है, और सबसे बड़ी बात है कि ये उंगली बहुत हल्की काम कर रही है बस ऐसे करके, इसमें भी दर्द है। तो हाथ की कंडीशन ऐसी है, जब मैंने खुद को शीशे में देखा ना, मेरे को ऐसे तो चलो दो तीन बार मैंने देख लिया, चार पांच बार जितनी बार ड्रेसिंग हुई है, तो थोड़ा सा लग रहा था कि हाँ चल कटा पड़ा है, लेकिन अभी मैंने खुद को शीशे में देखा ना, जाके आईने में देखा, मेरा बहुत अजीब लग रहा था मेरा हाथ, ऐसा लग रहा है कि मेरा हाथ ही नहीं, किसी एलियन का हाथ है चार उंगलियों के साथ। पर अभी धीरे धीरे इसकी आदत डालनी होगी, और डालनी क्या होगी भाई, पड़ी जाएगी, मैं नहीं भी चाहूंगा तो भी अपने आप होगी। पर राखी को भी बहुत अजीब लग रहा है, इसको दिखाता हूँ मैं कैसा चेहरा बना रखा है इसने भाई। तू आज क्यों शर्मा रही है? शर्मा नहीं रही, अच्छा नहीं लग रहा है इसको, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। किसको अच्छा लग रहा है? मम्मी मेरी बड़ी इमोशनल सी हो गई, फिर मैं उठ के आ गया, छोड़ो यार। और बच्चों को तो कुछ पता ही नहीं है, अभी छोटे छोटे हैं, तो आरविक को भी ज़्यादा ऐसा कुछ है नहीं, बस ये पता है उसको कि पापा का अंगूठा कट गया है। मुझे बहुत अजीब लग रहा है, आप देख रहे हो अब अभी ब्लड के निशान भी लगे हुए हैं इस पर, वो भी मैंने खूब ना, मैंने क्या, मेरे डॉक्टर ने भी बहुत साफ करने की कोशिश करी है, पर छूटा नहीं है। आपको ना मैं कलर डिफरेंस दिखाता हूँ दोनों हाथों का, राखी पकड़िए एक बार कैमरा, ये देखो भाई, ये देखो ये रेड रेड दिख रहा है, ये लाल हो रखा है, आपको वो एकदम पीला हो रखा है, दिख रहा है एकदम साफ दिखाई दे रहा है, इतना कटा है। कुछ लोगों को ना, कुछ ये ब्लड के निशान नहीं छूटे ना अभी, या फिर छूट जाएंगे, ज्यादा कस के छुटाने की कोशिश, कस के नहीं छुटाऊंगा। कुछ लोगों को लग रहा था कि थोड़ा बहुत कटा हुआ है, या फिर कटा ही नहीं है पट्टी वाली, कुछ लोगों ने मेरे को ऐसे ही कुछ कमेंट्स किए थे उस पे, क्या नाम है तुम्हारा, इंस्टाग्राम पे, कि कॉन्ग्रेचुलेशन चोट लग गई थी, देखो तो आराम कर रेस्ट कर। पर उनको सच में ये नहीं पता था कि मेरा अंगूठा इतना कट गया है, तो फिर भाई उन्होंने फ़ोन करके ना रिग्रेट किया, सॉरी फील किया कि भाई मेरे को सच में नहीं पता था, मैं तो बस मजाक कर रहा था। कुछ दोस्त आपके बहुत खास दोस्त होते हैं ना, जो चीज़ों को इतना सीरियस नहीं लेते, तो उन्होंने फिर मैंने बताया नहीं यार सच में ऐसा हो गया है मेरे साथ, तो बहुत बहुत दुख हुआ यार उन्हें। और सच में खुद देखो ना यार इतनी दूर से, मतलब कैसा लग रहा है, तो अजीब तो है ही, लेकिन अभी दवाइयाँ खा रहा हूँ, एक दवाई चल रही है, बाकी सारी एंटीबायोटिक्स डॉक्टर ने बंद कर दी है, तो वो मैं अब लूँगा नहीं, क्योंकि उन्होंने बोला, क्योंकि मैंने आपको एक वीडियो में बताया था पहले भी, कि जब मैं इतनी हैवी एंटीबायोटिक्स ले रहा था ना, तो मेरा टॉयलेट भी ना पीला पीला आ रहा था, बहुत स्मेल आ रही थी, तो फिर डॉक्टर ने मना कर दिया कि अब मत ले, सूख गया है बस, अंदर से हील होगा धीरे धीरे, इसमें टाइम लगेगा, 5-6 हफ्ते लग जाएंगे, तब तेरे को थोड़ा कम्फर्टेबल होना फील होगा। तो अभी मैं इससे कुछ कर भी नहीं सकता ना, मैं ट्राई करूँगा भाई, दिन में 2-3 बार इसके लिए दवाई लगानी है, वो करता रहूँगा, और जब अपने आप रूटीन में आएगा, या फिर डॉक्टर के कंसल्ट के थ्रू, मतलब कि उनके बिना मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ, कोई चीज़ नहीं उठाने वाला, कोई वेट नहीं उठाने वाला, कुछ नहीं करूँगा तब तक मेरा डॉक्टर मेरे को बोलेगा नहीं। तो कंटिन्यू रहना ब्लॉग में, राखी की एक फ्रेंड आई है, मिलाता हूँ आपको उनसे, वैसे आपने वीडियो में हल्का सा उन्हें देख लिया है, तो बने रहना भाई, है ना। तो देखो ना अपना ध्यान, ना कैमरे का ध्यान, बस फोन का। वैशु हाय बोलो सबको, स्माइल कर दो, ये ना राखी की फ्रेंड का बेटा है मोनिका का, और ये भाई साहब ना अपने सारे खिलौनों को इससे जैसे छीन रहे हैं, वैसे चाहे पड़े रहे हैं इसके खिलौने, हफ्ते हफ्ते नहीं देखता है ये, पर अभी ये आ गया है ना, तो सब चीजों को छीन रहा है, उसको देखो बलून तक नहीं दे रहा है, मेरे पे तरस आ रहा है, कह रही थी पूरी हवा इसमें भर जाएगी भाई। इनसे मिलो, ये है राखी की दोस्त मोनिका, और ये मेरे व्लॉग में पहली बार ही आ रहे हैं, ये मेरी स्कूल की दोस्त है, स्कूल की और हम बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं। और ये बताए मोनिका क्या क्या लाई है मेरे लिए, क्या क्या लाई, सारा सामान लेके आई भाई, सबसे ज्यादा फ्रूट मोनिका लेके आई है, आम केले पपीते और तरबूज। ये मेरा अंगूठा ना चेक करने आया था अभी, और इसने ना हल्का सा टच करके देखा है, और बहुत प्यार से, मतलब इसको भी पता है कि पापा को चोट लगी हुई है और दुखाना नहीं है। आई कहाँ है, आई वो देखो कितनी गौर से देख रहा है, उसको पता है कि कहाँ है, कैसा लग रहा है अंगूठा, अब भाई जैसा लग रहा है वैसा लग ही रहा है, अब जैसा है वैसा रखना पड़ेगा। तो मैं आपको ना अपना फोन दिखा रहा हूँ, वही S23 अल्ट्रा, जो कि टूट गया था,
उसी से मैं ये वीडियोस अब शूट कर रहा हूँ। इनिशियली वीडियो के व्लॉग के स्टार्टिंग में मैंने अपने पुराने फ़ोन से करी थी, राखी के फ़ोन से, जो बहुत हिल भी थी। ये बहुत स्टेबल और भाई वीडियो क्वालिटी ऑसम। जब भी मेरे इसमें पेन ख़त्म हो जाएगा ना, जब भी डॉक्टर मेरे को बोल देंगे कि तू गाड़ी वाड़ी चला सकता है, नॉर्मली अपने सारे काम कर सकता है, तो मैं तब अपने कंपनी डॉक्टर से या उससे पहले भी हो सकता है मैं जाऊँ मिलूँ, क्योंकि मेरा जो भी मेडिकल होगा वही मेरे को गाइड करेंगे। मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि क्या होगा और कैसे करना है, तो बस मैं थोड़ा सा और ये सही हो जाए इसका वेट कर रहा हूँ। उसके बाद अपने ऑफिस ज़रूर जाऊँगा और सारी चीज़ें जो आपसे शेयर करूँ वो करता रहूँगा। गाइस देखो, मैं बाहर टहल टहल के घूम घूम के ज़्यादा वीडियो बना नहीं सकता हूँ, क्योंकि मेरे को जो बहुत ज़रूरी काम है वो करने पड़ते हैं, मैं कर लेता हूँ बाहर निकल के, लेकिन मेरे को रेस्ट की भी पूरी ज़रूरत होती है और वो मैं भरपूर कर भी रहा हूँ। तो चीज़ें ना अब सही हो रही है। जैसे मेरे पैर में चोट लगी थी, मैंने दवाई लगाई उस पर और ड्रेसिंग वगैरह करी, पट्टी वट्टी लगाई, तो वो काफ़ी हद तक सही हो गया 2 दिन में, जो कि 15 दिन से नहीं हील हो रहा था। और मुझे पता है कि मेरा अंगूठा कट गया है और मेरे को दुख भी बहुत है भाई। मैं जब भी इस हाथ को देखता हूँ ना, मेरे को बहुत अजीब लगता है। मेरे को तो लगता ही है, मेरे घर वालों को मेरे से भी ज़्यादा लगता है। और अभी उस तरीके से हील भी नहीं हुआ है। मैंने आपको कलर भी दिखाया था दोनों में, देखो ये बिल्कुल पीला पड़ा है, ये लाल है, पर ये फिर भी हील हो रहा है। हाँ, टाइम लेगा, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने, 3 महीने भी ले सकता है ढंग से सही होने में, लेकिन हो रहा है, ठीक है। और जो मेरा फ़ोन टूट गया था ना, वो भी भाई सही हो गया है, उसमें पैसे ज़रूर लगे हैं, तो चीज़ें सही हो रही है। अब कैसे भी कुछ भी कीमत उनके लिए चुकानी पड़ रही है। आई होप कि आगे भी जो मेरे काम है वो बनते रहेंगे और मेरी सारी चीज़ें सही होती रहेंगी। मेरे लिए जो भी होगा अच्छा होगा, और वही मैं प्रे करूँगा कि आप लोगों के साथ भी हो। और आप लोगों ने सच में मेरा बहुत साथ दिया है, मेरे को बहुत मोटिवेट किया है और इतने सारे पॉजिटिव कमेंट्स आए, सब ने लिखा लव फ्रॉम अपनी अपनी जगह, जैसा मैंने पिछली वीडियो में पूछा था, और इतने अच्छे अच्छे इतने बड़े बड़े कमेंट्स करे। देखो, मैं खुद यूट्यूब चला रहा हूँ, मेरे को पता है कि एक कमेंट करना कितनी भारी बात है। हालांकि लिखना होता है, लेकिन सच में बहुत हिम्मत चाहिए किसी की भी वीडियो पर कमेंट करने के लिए, जो आप लोग करते हो मेरी वीडियो पर। तो सच में मैं इस चीज़ को ना कभी भूलूंगा नहीं, मैं रिन्यू हूँ आपका। और मुझे पता है कि आप लोग आगे भी मेरे को इसी तरीके से सपोर्ट करते रहेंगे। तो ये जो व्लॉग है, जो आज की वीडियो है, इसमें मैंने आपको बताया। मुझे पता है कि बहुत से लोगों को, आपको बहुत दुख भी हुआ होगा ये मेरा अंगूठा देख के, पहले भी हो रहा था। तो ये वाला व्लॉग ना मैं आज यार यहीं पे ख़त्म करूँगा। मेरा मन नहीं है अब आगे कंटिन्यू करने का, मतलब इस व्लॉग को। कल से फिर से नई वीडियो बनाएंगे अच्छे तरीके से। तो मिलते हैं मेरे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू वेरी मच।